फ्रेंड्स, हम लोग आज ये आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है, हम लोग ये मोबाइल पे कैसे हम लोग करेंगे वो देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोल के आप इसमें सर्च करना है आर्डिनो ड्रॉइड। तो ये आपका आ जाएगा आर्डिनो ड्रॉइड। तो इस पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो अब देखिए, हमारा आर्डिनो हो चुका है इंस्टॉल। तो हम करेंगे इसको ओपन। तो जैसे ओपन पे क्लिक किया, देखिए हमारा आर्डिनो आ गया आपके मोबाइल पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा चीज नजर आ रहा है हमको। एडिटर नजर आ रहा है, नेविगेटर नजर आ रहा है। तो ये एडिटर है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं डायग्नोसिस्ट है, आउटपुट है। डायग्नोसिस्ट वही है जो आपका मैसेज डिस्प्ले करेंगे, कोई एरर है तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या है, ये आउटपुट पे आपका सीरियल मॉनिटर से जो आपका आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब ये सीरियल मॉनिटर क्या है, ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है, वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके साइड में जो ये आपको नजर आ रहा है, ये है हमारा कीबोर्ड, डिफॉल्ट आर्डिनो का जो एप्स में मिल जाता है। लेकिन हमको ये नहीं लगता इतना कन्वीनियंट, तो हम अपना जो नॉर्मल सा कीबोर्ड है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं होगा। और इसमें अच्छा बात यह है कि आप एडिटर पे आप चाहे तो अपना कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमारा ऊपर आ जाइए, ये है हमारा पहला आइकन जो सेव करने का, और जो दूसरा आइकन है वो है हमारा कंपाइल करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा अपलोड बटन है, और जो फोर्थ है वो है हमारा सीरियल मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद ये तीन डॉट आपको नजर आ रहा है, इस पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मेन्यू खुल जाएगा, स्केच है, फाइल एडिट वगैरह, एक्शन सेटिंग्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप जाके देखिए, स्केच के अंदर पे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये इनबिल्ट रहता है हर आर्डिनो आईडी पे। तो आप बेसिक में जाके आप एलईडी ब्लिंक का ये है, इसको आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे एलईडी ब्लिंक का ये आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वही प्रोजेक्ट यूज किया जो प्रीवियस हमने बनाया था एलईडी ब्लिंकिंग का, वही सेम प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे मोबाइल पे बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, अपना सर्किट कनेक्शन कर लीजिएगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हमारा जो सर्किट डायग्राम है, तो उस हिसाब से आप अपना आर्डिनो को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नया एक प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि ये जो एलईडी ब्लिंकिंग का जो प्रोग्राम है ये हमारा एग्जाम्पल से लिया, तो हमारा स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यही कोड को हम कॉपी करके इसी को ही एडिट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गया और जाके फाइल में गया, उसके बाद हमने करना है न्यू। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे, तो हम दे देते हैं एलईडी ब्लिंक। ओके, तो ये मेरा खुल गया, देखिए एक नया एलईडी ब्लिंक न्यू करके जो फाइल है ये खुल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडिटर पे आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, या आप सीधा यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं अपना कोड को कॉपी करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑलरेडी ये एलईडी ब्लिंक का जो कोड है यहाँ से हमको कॉपी करना है इसको, क्योंकि हम मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इस पे। तो हम क्या करेंगे, यही कोड को कॉपी करेंगे क्योंकि ये एलईडी ब्लिंक का ही कोड है। स्लाइटली इसमें हमको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ओके, हमारा एलईडी ब्लिंक न्यू जो हमने बनाया था अभी उस पर हमने कर दिया पेस्ट। ठीक, तो हमको बस इसको स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना है। आपको मैंने बताया, फिर से बता दूं कि आपको प्रोग्रामिंग का पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलईडी ले लिया है, पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर दिया है वो एलईडी को, और हमने यहाँ पे कर दिया इसका नाम, वेरिएबल दे दिया एलईडी 1। ठीक, तो हमको क्या करना है, स्लाइटली मॉडिफाई करना है यहाँ पे ये जो आउटपुट पिन रहेगा, पिन मोड में हमको इसको करना है एलईडी 1। ठीक ठीक, इस तो जितना भी आपको यहाँ नजर आ रहा है सबको कर देना एलईडी 1। तो ये मेरा लूप पे आ गया एलईडी 1। ओके, देन डिले आ गया, ठीक है, 1 सेकंड का, 1000 मिली सेकेंड। देन यहाँ पे आ गया एलईडी
वन। ठीक, तो अब ये हो जाएगा मेरा प्रोग्राम रेडी। तो अभी हमको क्या करना है, बस इसको हमको करना होगा कंपाइल, कि कहीं हम गलत तो नहीं किया कहीं लिखने में। ठीक है, तो हम कर देते हैं कंपाइल। ठीक, ओके, यस कर दीजिए। तो हमको क्या करना है, एक नया सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम फिर से सेव कर देता, वैसे जनरली आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से सेव कर लीजिए। हम इसका नाम दे देता है LED ट्राई। तो ये हमारा हो गया सेव। अब देखिए कंपाइलेशन फिनिश, देखिए हमारा कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है, और आप इसको कर सकते हैं अपलोड। तो अपलोड करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपका आर्डिनो को कनेक्ट करना होगा। हमारा कोडिंग रेडी है, तो हमको क्या करना होगा, USB से कनेक्ट करना है। तो हमारे पास ये एडेप्टर है, आप चाहे तो ये अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसके बदले में OTG केबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये USB जो केबल है हमने कनेक्ट किया है इसको आर्डिनो के साथ, और जो हमारा सर्किट भी यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे कनेक्ट इसके साथ, ओके। देन ये जो है हम इसको इंसर्ट करेंगे मोबाइल के पीछे यहाँ पे, ओके। अभी मेरा ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, जो आर्डिनो पे लाइट भी मेरा आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, तो हमारा जो आर्डिनो है वो कनेक्ट हो चुका है बाय OTG केबल, हमारे केस में हम एडेप्टर यूज कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा सेटिंग्स पे, और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बोर्ड टाइप। बोर्ड टाइप पे आपको जाके सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आर्डिनो। आर्डिनो पे आपको सेलेक्ट करना है, हमारा केस में हम यूज कर रहे हैं आर्डिनो ऊनो, तो हमारा यहाँ डिफॉल्ट चेक किया हुआ है। अगर आप नैनो यूज कर रहे हैं, मेगा यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमने कर दिया आर्डिनो ऊनो को सेलेक्ट। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका अलाउ आर्डिनो टू एक्सेस नल, ओके, तो आप कर दीजिए ओके, तो आपका अपलोडिंग हो गया, देन इट इज अपलोडेड। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा ये LED ब्लिंक हो रहा है। ओके, तो ये हमने किया प्रोग्रामिंग मोबाइल के मदद से।